पटना हाईकोर्ट ने बिहार के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर सेवा में कार्यरत शिक्षकों के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 9 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा है। शुक्रवार को चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने संजीत पंडित द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए अंतिम समय दे दिया है। याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य में स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर लोग नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे में कई शिक्षक हैं जिनकी संख्या लाखों से ज्यादा है। यह वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 2006 से 2010-11 के बीच विभिन्न स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए की गई थी। निगरानी विभाग की ओर से कहा गया है कि अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले में जांच को आगे बढ़ाया गया है। अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।